अगर आप फूड प्रोसेसर बाय करने जा रहे हैं और आपको कंफ्यूजन है कि कौन सी कंपनी का फूड प्रोसेसर आपको बाय करना चाहिए, कौन सा फूड प्रोसेसर आपके नीड के अकॉर्डिंग सूटेबल होगा, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में होते हैं। और अगर आपके भी दिमाग में ये सारे सवाल हैं और आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा बाय करना है आप, तो मैं आज आपके इन सारे सवालों का जवाब दूंगी और आपको हेल्प करूंगी एक बहुत अच्छा फूड प्रोसेसर बाय करने में। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एबी और हमने जैसा कि पहले डिस्कस किया, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कौन से सबसे अच्छे फूड प्रोसेसर्स मार्केट में अवेलेबल हैं और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको कौन सा बाय करना चाहिए। मैंने इनकी एक लिस्ट प्रिपेयर की है। ये जो प्रोडक्ट्स है इनकी लिस्ट बेस्ड है लोगों के फीडबैक पे, उन्होंने क्या रिव्यू दिया, क्या रेटिंग किया इन प्रोडक्ट्स को और कितने बजट फ्रेंडली ये प्रोडक्ट्स हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी मैंने लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराई है, वहां से जाके आप इन्हें और अच्छे से चेक कर सकते हैं। और अगर आप इन लिंक्स के थ्रू इन्हें बाय करेंगे तो एक बहुत अच्छे ह्यूज डिस्काउंटेड प्राइस में ये प्रोडक्ट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 7 पे मैंने लिया है बॉश कंपनी का फूड प्रोसेसर। प्लास्टिक मटेरियल यूज किया गया है और ये जो फूड प्रोसेसर है 800 वॉट का फूड प्रोसेसर है और इसकी स्पीड जो है वो आपको मिलेगी 1000 आरपीएम की। 1 लीटर की बोल कैपेसिटी है इसकी और 2 ईयर्स की कंपनी इस पे आपको वारंटी दे रही है। और अगर हम प्राइस की बात करें तो ये पड़ेगा आपको करीब 9500 रुपए के आसपास। प्रोस देखें इसके, तो इसका जो ऑपरेशन है वो बहुत ही क्वाइट है, इसकी मोटर बहुत अच्छी है और इसका जो डिजाइन है वो बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। और इस और कॉन्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो कॉर्ड है उसकी लेंथ थोड़ी छोटी है। नंबर 6 पे मैंने लिया है मॉर्फी रिचर्ड का फूड प्रोसेसर जो कि स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है। 1000 वॉट्स की पावर है इसकी और अगर हम इसकी ब्लेड देखें तो ब्लेड्स भी स्टेनलेस स्टील से बनाए गए हैं और स्पीड इसकी बहुत अच्छी है, 2200 आरपीएम की स्पीड मिल रही है और इसकी जो बोल कैपेसिटी है वो 3.2 लीटर्स की है। कंपनी इस पे आपको 2 साल की वारंटी दे रही है और प्राइसिंग वाइज ये पहले वाले से थोड़ा कम है, ये आपको पड़ेगा करीब 8800 रुपए के आसपास। फायदा देखें तो इसके अंदर आपको बिल्ट इन चाइल्ड सेफ्टी फंक्शन मिल रहा है और इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा लॉन्ग ब्लेड्स मिल रही है और जो क्वालिटी है इसके इंटीरियर की वो बहुत ही अच्छी है। कॉन्स मुझे ऐसे जिसमें नजर नहीं आए। नंबर 5 पे मैंने लिया है उषा कंपनी का फूड प्रोसेसर जो कि स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है और इसकी ब्लेड्स भी स्टेनलेस स्टील की है। 1000 वॉट्स की ये फूड प्रोसेसर है और अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो इसमें आपको 2000 आरपीएम की स्पीड मिल रही है, बहुत अच्छी स्पीड है इसकी ग्राइंडिंग के लिए और जो बोल कैपेसिटी है वो 2.4 लीटर्स की है। अब अगर हम देखें कि कंपनी इस पे आपको कितनी वारंटी दे रही है तो वो 2 ईयर्स की वारंटी दे रही है और प्राइसिंग वाइज ये पड़ेगा आपको करीब 8000 रुपए के आसपास। प्रोस देखें तो इसमें जो चॉपिंग ब्लेड है वो बहुत ही गुड क्वालिटी की बनाई गई है और इसके साथ में आपको मल्टीपल जार्स मिल रहे हैं और जो इसकी जो बिल्ट इन क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है और जो ऑपरेशन है वो कम नॉइजी है और कॉन्स मुझे इसमें नजर नहीं आए। और नंबर 4 पे मैंने लिया है इनाल्सा कंपनी का फूड प्रोसेसर जो कि प्लास्टिक बॉडी बनाई गई है और इसका जो ब्लेड्स हैं वो भी स्टेनलेस स्टील की है। 650 वॉट्स की पावर का है, 1500 आरपीएम की स्पीड मिलेगी लेकिन जो बोल कैपेसिटी है वो इसमें आपको 1 लीटर की मिल रही है और कंपनी इस पे आपको 2 ईयर्स की वारंटी दे रही है। प्राइसिंग वाइज देखें तो बहुत ही बजट फ्रेंडली है, अगर आपका बजट 5000 रुपीज के आसपास तक का है तो ये फूड प्रोसेसर आपको पड़ेगा करीब 4700 रुपए के आसपास। अगर हम इसमें प्रोस की बात करें तो इसमें आप आटा नीडिंग बहुत ही आराम से कर सकते हैं। कॉन्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो मुझे एवरेज लगी। नंबर 3 पे मैंने लिया है बजाज कंपनी का फूड प्रोसेसर। प्लास्टिक एंड पॉलीकार्बोनेट मटेरियल इन्होंने यूज किया है, इसकी ब्लेड्स भी स्टेनलेस स्टील की है लेकिन वॉट्स की बात करें तो ये सिर्फ 600 वॉट्स का फूड प्रोसेसर है और इसमें जो स्पीड मिलेगी वो आपको 1800 आरपीएम की मिलेगी, अच्छी स्पीड है। बोल कैपेसिटी इसमें आपको 1.5 लीटर्स की मिल रही है, 2 साल की कंपनी वारंटी दे रही है लेकिन प्राइसिंग वाइज ये पहले वाले से थोड़ा सा हायर एंड पे, अगर आप इसे बाय करेंगे तो ये आपको मिलेगा 6200 रुपए के आसपास।
अब अगर हम इसका फायदा देखें तो फायदा ये है कि ये क्लीन करने में बहुत इजी है। कॉन्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो वायर है उसकी लेंथ छोटी है। और नंबर टू पे मैंने लिया है इनाल्सा का फूड प्रोसेसर, जो कि प्लास्टिक मटेरियल से बनाया है इन्होंने। स्टेनलेस स्टील की बॉडी है इसकी, 1000 वॉट्स का फूड प्रोसेसर है, काफी पावरफुल है और जो स्पीड मिलेगी वो आपको मिलेगी 2000 RPM की। अब अगर हम इसमें वारंटी की बात करें कि कंपनी आपको कितनी वारंटी देगी, तो इसमें 2 ईयर्स की वारंटी दे रही है और जो बोल कैपेसिटी है इसकी वो 2 लीटर्स की है। प्राइसिंग देखें तो ये आपको पड़ेगा करीब 8,900 रुपए के आसपास। पॉजिटिव देखें तो इसकी जो मोटर है वो बहुत अच्छी हैवी ड्यूटी मोटर इन्होंने यूज की है और बहुत ही स्टर्डी टाइप की है। कॉन्स देखें तो मुझे इसमें एज सच कोई कॉन्स नजर नहीं है। और नंबर वन पे मैंने लिया है उषा का फूड प्रोसेसर, जो कि एलॉय स्टील मटेरियल का बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील की ब्लेड्स हैं और 1000 वॉट्स का फूड प्रोसेसर है। अब अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो 1800 RPM की स्पीड मिल रही है, जो कि अच्छी स्पीड है। बोल कैपेसिटी भी इसकी बहुत अच्छी है, 3.5 लीटर्स की है, काफी अच्छी कैपेसिटी है और कंपनी इस पे 5 ईयर्स की वारंटी दे रही है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस फूड प्रोसेसर की। प्राइसिंग वाइज ये थोड़ा सा हायर एंड पे है, ये पड़ेगा आपको करीब 11,400 रुपए के आसपास। प्रोज की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे अच्छी चीज तो मुझे ये लगी कि जो जूसर इसके साथ आ रहा है वो आपको सेपरेटली मिल रहा है और इसकी जो ब्लेड्स हैं वो बहुत ही अच्छी बनाई गई हैं। कॉन्स की बात करें तो मुझे इसमें कोई कॉन्स नजर नहीं आया। इफ यू नीड एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट्स देन यू कैन कमेंट मी बिलो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।